हेलो फैमिली, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। आप लोगों का काफी सारा रिक्वेस्ट है मायका हाउस टूर करवाइए, तो फाइनली आज मैं मायका हाउस टूर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और बेल क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम सुनीता ब्लॉग। अभी घर में है नहीं कोई, सारे लोग गए हैं, दीदी मम्मी पापा सब भैया सब भाभी है बच्चे हैं, दीदी भी चली गई है, मैं भी 2 दिन के बाद चली जाऊंगी। तो काफी सारा रिक्वेस्ट है, जो भी है सारा कुछ रियल आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है। तो मायके में मैं बहुत कम दिन रुक जाती हूँ, मतलब 3 से 4 दिन, उसी बीच में सारा वीडियो मैं बना रही हूँ। तो जैसा भी आप लोगों के साथ, चलिए मायके ब्लॉग जो है हाउस टूर शेयर करते हैं और वीडियो के अकॉर्डिंग कमेंट कीजिएगा। तो देखिए ये है हमारा मेन गेट, उधर का तो मैंने दिखाया हुआ था गली, फिर भी एक बार आपस से दिखा दे रही हूँ। इधर है रोड और इधर पड़ता है एक रोड। ये देखिए ये है हमारा गेट, चलिए गेट के अंदर हम आते हैं। चलो चलो, इधर देखिए जो पाइप लगा हुआ है पानी आता है, और इस साइड लेटरिन बाथरूम है, यहाँ कुआं है। देखिए ये है नल, हाँ खाली पानी चढ़ा हुआ है। यहाँ देखिए बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ एक रूम है तो स्टोर रूम है, इसमें कुछ है नहीं। और यहाँ यहाँ पे है तुलसी जी, और उधर जो भी लकड़ी है कोयला वगैरह जो गुल बनाया जाता है वो सब है। यहाँ चूल्हा है, यहाँ खाना बनता है। और ये देखिए कुछ इस तरीके का है, पहले छत नहीं था, मिट्टी का घर था। तुम लोग आगे में खेल मत। तो चलिए अभी चलते हैं रूम के अंदर। यहाँ पे देखिए सारा मम्मी लकड़ी रखी हुई है जलाने के लिए, और इधर से है छत का सीढ़ी। तो पहले हम रूम आपको दिखाते हैं। ये रहा किचन, देखिए इमरजेंसी में गैस पर खाना बनता है। बाबू दिखा रहा है। इधर है भाभी का रूम, चलो ना हम लाइट बंद कर दे रहे जो। और इधर है हमारा रूम, मतलब हाँ मैं दीदी सारे लोग आते हैं ना तो यहाँ पे हम अपना डेरा जमाते हैं, यहाँ पे अपना डेरा लगाते हैं। और उधर ये है पूजा रूम, पूजा वाला रूम है। इधर एक रूम है, इधर एक रूम है, भैया लोग रहते हैं इसमें। ये है पूजा रूम, और ये है छोटा सा हॉल। क्या तो अभी चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं छत के ऊपर। बस छोटा सा हाउस टूर है ये, जैसा भी है, पहले मिट्टी का घर था, बाद में फिर छत का घर बना, क्योंकि शहरों पे जगह का बहुत दिक्कत होता है, ये तो मालूम ही होगा। और ये हमारा छोटा सा छत है, यहाँ भी पानी स्टोर करके रखते हैं, देखिए। और मम्मी कुछ कुछ लगाए हुए हैं, थर्माकोल वाला जो टब होता है ना उसी में। दिखाते हैं अभी आप लोगों को बैक कैमरा से। ये देखिए फूल के पौधे हैं, यहाँ पे एलोवेरा है, और ये देखिए छोटे छोटे जो हंडी है ना उसमें
मम्मी गोभी लगाए हैं, इधर प्याज साग है, इधर टमाटर है, बैंगन, इसमें बैंगन भी हुए थे, इसमें देखिए बैंगन भी हुए हैं, ये देखिए। तो शहरों में जगह का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए छत तो करना पड़ता है। उधर कुछ पौधे हैं और उधर पानी स्टोर करके रखा हुआ है। इधर देखिए, ये देखिए छत का ऊपर से पूरा व्यू इस तरीके का दिखता है। यहीं से मौसी घर दिखता है, वो ग्रीन वाला। मेरे पापा को ना पेड़ पौधों का बहुत शौक है, फूल पौधे पेड़ लगाना उन्हें बहुत ज़्यादा शौक है। तो नीचे में तो उतना जगह ही नहीं है कि नीचे कहीं लगाएंगे, इसलिए वो गमला ला ला के ना छत को ऊपर में डाल देते हैं और अच्छा भी लगता है। और बड़ा सा जो रोज का था ना, गुलाब का पौधा था, वो हस्बैंड जी देखे आए थे तो पूरा बाल्टी ही उठा के ले गए वो, तो वो घर पे है, मेरे घर पे है, आप देखे होंगे। आयुषी नानी घर में मजा आ रहा है? हाँ। तो घर जाएगी कि नहीं? आयुषी ना जब नानी घर से विदाई होती ना बहुत रोती है, मैं भी नहीं रोती हूँ उतना, ये बहुत रोती है क्योंकि सारे बच्चे लोग रहते हैं ना और फिर बिछड़ जाते हैं, बहुत कम हम आते हैं, ऐसे 6-7 महीने के बाद आते हैं 2-4 दिन के लिए। और दीदी लोग तो चले गए हैं, हम बचे हुए हैं। इस बार 2 दिन ज़्यादा रुक के जाएंगे। छोटा सा बाबू दौड़ दौड़ के खेल रहा है। तो जैसा पॉसिबल हो रहा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर हो रहा है। देखिए यहाँ पे पानी है, स्टोर करके रखे हैं। तो यही था छोटा सा, जैसे भी था अपना मायका का ब्लॉग आप लोगों के साथ मैं शेयर की, अपना हाउस टूर जो है रियल दिखाई। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए फैमिली मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और मायका ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिए। वापस से सुनीता रेसिपी लेके आएगी, जब अपने ससुराल जाएगी तब, वो मोमेंट तो बहुत ही मुश्किल होता है, बट क्या करें, अब बेटी तो पराई होती ही है, जाना तो पड़ेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। 2 दिन के बाद। हाँ 2 दिन के बाद चलिए।